Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, पाठ के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ पंक्ति सुनाती हूँ। काम का होना क्रिया कहलाए, नाचे गाए ढोल बजाए। इन पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे पाठ का नाम है क्रिया। काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, आज हम अपने पाठ में यही पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 10, क्रिया वर्ब। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे और इसे समझेंगे। रीमा सुबह जब स्कूल बस में चढ़ी तो उसने देखा कि सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। अध्यापिका उनकी हाजिरी मीन्स अटेंडेंस ले रही है। कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। रीमा की सहेली सो रही है। एक लड़का सेब खा रहा है। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। वह भी अपनी सहेली के पास जाकर बैठ गई। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है। जैसे चढ़ी, देखा, बैठे, पढ़, सो आदि सभी काम हैं। काम करना या होना बताने वाले शब्द ही क्रिया शब्द हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं क्रिया? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पाठ पढ़ा। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। जैसे मैंने खाना डैश, अधूरा वाक्य, हमें नहीं पता क्या। हम सब रेलवे स्टेशन डैश। क्रिया के बिना ऊपर लिखे वाक्य अधूरे हैं। अब इन्हें पढ़िए। मैंने खाना खा लिया। हम सब रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। यहाँ वाक्य क्रिया के साथ होने से पूरे भी हैं और स्पष्ट भी। अतः वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। अगर वाक्य में क्रिया ही नहीं होगी तो वाक्य पूरा नहीं होगा। हमें पता ही नहीं होगा कि भाई क्या हो रहा है। अन्य क्रिया शब्द खाना, पीना, रोना, दौड़ना, कूदना, होना, सोना, बोना, उगाना, उगना, काटना, देना, लेना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि हैं, था, थे, होंगे, होगा आदि भी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे आज बुधवार है, कल मंगलवार था। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। जैसे झरने से पानी गिर रहा है, क्रिया स्वयं हो रही है। बच्चा बाल्टी से पानी गिरा रहा है मीन्स क्रिया की जा रही है। कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। बच्चा पानी को गिरा रहा है बाल्टी से। खेतों में फसल उग रही है मीन्स क्रिया स्वयं हो रही है। किसान फसल काट रहा है, क्रिया की जा रही। किसके दौरान? किसान के दौरान। जो किसान है वो क्या कर रहा है? फसल को काट रहा है। अब इसके बाद देखिए आगे है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कितने भेद हैं क्रिया के? दो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सहजमा कर्मक। सह मीन्स साथ, कर्मक मीन्स कर्म के, मीन्स कर्म के साथ। ए जमा में कर्मक, ए मीन्स बिना, कर्मक मीन्स कर्म के, मीन्स बिना कर्म के।
कर्मक क्रिया से सात प्लस में कर्मक कर्म के यानी कर्म के साथ क्रिया का होना। दीपक गिटार बजा रहा है, दीपक क्या है कर्ता, गिटार कर्म, बजा रहा है क्रिया। नवीन पतंग उड़ा रहा है, नवीन कर्ता, पतंग कर्म, उड़ा रहा है क्रिया। उपयुक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि दीपक क्या बजा रहा है, उत्तर में क्या मिलेगा गिटार। सेकंड प्रश्न देखिए, नवीन क्या उड़ा रहा है, उत्तर में हमें मिला पतंग। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें कर्मक क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें कर्मक क्रिया कहते हैं। क्या काम किया जा रहा है, जहां इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहां कर्मक क्रिया होती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता के काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। देखिए कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है, क्या कहा, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, इसमें बांसुरी क्या है कर्म। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म है। जैसे कृष्ण क्या बजा रहा है, उत्तर में हमें क्या मिला बांसुरी बजा रहा है, तो बांसुरी क्या है कर्म। आई होप आज हमने अपने पाठ क्रिया में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा क्रिया, क्रिया काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे राधा ने दूध पिया, सीता पढ़ती है आदि। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज हमने कर्मक क्रिया को पढ़ा। कर्मक, स मीन्स साथ, कर्मक मीन्स कर्म के, अर्थात कर्म के साथ या कर्म सहित। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म कारक हो उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई, इसमें हम क्या प्रश्न भी कर सकते हैं। जैसे कृष्ण ने क्या बजाई, उत्तर में हमें मिला बांसुरी बजाई, बांसुरी क्या है कर्म। आप सभी ने पाठ को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।